बड़े उत्तराखंड से इंद्रपाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे दो स्टॉक है, CNB और एक इरेडा। CNB मेरे 3500 शेयर हैं 325 के रेट पे, और इरेडा मेरा है 250 शेयर 252 के रेट पे। जो इरेडा है वो तो मैं लॉन्ग टाइम के लिए रखूंगा, और जो PNB है वो मैं 15 दिन के लिए, मेरा नजरिया है मेरा लॉस रिकवर हो सकता है क्या? ओके, तो इरेडा तो लंबी अवधि का स्टॉक है सर इनका, PNB पे बहुत ही छोटा नजरिया रखा है इन्होंने, क्या रहेगी राय सर? देखिए, मुझे लगता है कि इरेडा में इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, हालांकि ये इनका लॉन्ग टर्म होल्डिंग ही होना चाहिए, बट जिस प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्ट आया है, जिस प्रकार के फिनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज आई है, इरेडा को काफी फायदा होगा। इनफैक्ट इरेडा ने ये भी कहा है कि अगले साल नॉट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, बट वो शायद एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी आने की गुंजाइश रखते हैं, तो डेफिनेटली अच्छे वैल्यूएशन पे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होगा तो कंपनी को भी फायदा होना चाहिए। ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स पहले से इन्वेस्टेड है इनके लिए तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे कम से कम 12 से 15 महीने का व्यू लेके होल्ड करिए। और दूसरा शेयर स्वाति, अगर आप मेरे को नाम बताइए, PNB। सर PNB, देखिए PNB में मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो ही आपको यहाँ पे पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर आपका स्टॉक चल नहीं रहा है या मोमेंटम नहीं आया है तो मुझे लगता है कि कोई भी उछाल में इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं है। सारा बैंकिंग सेक्टर अभी कंसोलिडेशन फेज में है और लग तो नहीं रहा है कि एटलीस्ट इन द वेरी शॉर्ट टर्म PNB में कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो कोई भी उछाल से यहाँ से निकल जाए, अदरवाइज यहाँ पे वापस थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना जरूरी है अगर आपको पैसा बनाना है। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो उछाल पर निकलने की सलाह है, लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं PNB में आपके लिए सलाह, और इरेडा अच्छा स्टॉक है, बने रहिए।